राजस्थान का माहौल कांग्रेस आ सकते हैं, कांग्रेस कांग्रेस की लग रही है, कांग्रेस की तो सरकार है जैसे, हाँ तो कांग्रेस ही आ सकते हैं। काय के लिए कांग्रेस की लग रही है? अब ये लग रही है कि कांग्रेस में काम जी किसानों ने कहा बढ़िया करो। अच्छा, क्या किसानों के लिए अच्छा किया? देखो बानर जी फ्री दवाई कराई है और पेंसिल बनवाई है और ये बाबा आंगनबाड़ी पे राशन मिल रहा है। अच्छा। और ये बापे मिल रहा है किसान। अच्छा, आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है। कितने रुपए मिलती है? अब 1000 रह गए। अच्छा, तो इसलिए जो लोग हैं वो खुश है कांग्रेस से, है ना? हाँ। गहलोत की कांग्रेस की सरकार रही, उनका कामकाज कैसा लगा? अच्छा, बहुत बढ़िया लगा सर। क्यों? क्यों खिट मिल रही है सोनी की करी, सिलेंडर में पैसे कुछ माफ हो रहे हैं, हमको पेंशन मिल रही है साहब, पहले 750 रुपये में थी, अब 1000 मिल रही है। अच्छा, तो ये पेंशन आपकी चालू हुई, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी तब नहीं मिल रही थी? कुछ नहीं। अच्छा, प्रेम सिंह क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करते हैं। खेती है, किसान है। किसान। तो इस बार क्या क्या किया था खेतों में? खेतों में अब जाट हम तो सरसों कड़ी है, बाजरा वो गेहूँ बह जा रहे हैं। अच्छा, हाँ जा टाइम। तो अभी फसल बेच दी आपने? फसल बेच दी। क्या रेट बिका आपका? बिकी है 3500। सरसों? सरसों। बाजरा? हाँ बाजरा 2100। 2100। अच्छा, तो अभी ठीक है, रेट सही लगा आपको कि कम लगा? नहीं सही है रेट। अच्छा, सरसों का लोग नाराज? सरसों की रेट कम है, सरसों के लोग ये कह रहे हैं पिछली बार सही भी की थी, इस बार कम? हाँ रेट कम है जा साल। अच्छा अच्छा, तो इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार जो चुनाव आ रहे हैं इसमें क्या माहौल रहने वाला है यहाँ पे राजस्थान का? राजस्थान का माहौल कांग्रेस आ सकते हैं, कांग्रेस कांग्रेस की लग रही है, कांग्रेस की तो सरकार है जैसे, हाँ तो कांग्रेस ही आ सकते हैं। काय के लिए कांग्रेस की लग रही है? अब ये लग रही है कि कांग्रेस में काम जी किसानों ने कहा बढ़िया करो। अच्छा, क्या किसानों के लिए अच्छा किया? देखो बानर जी फ्री दवाई कराई है और पेंसिल बनवाई है और ये बाबा आंगनबाड़ी पे राशन मिल रहा है। अच्छा। और ये बाबे मिल रहा है किसान। अच्छा, आपको पेंशन मिल रही है? पेंशन मिल रही है। कितने रुपए मिलती है? अब 1000 रह गए। अच्छा, तो इसलिए जो लोग हैं वो खुश है कांग्रेस से, है ना? हाँ। अच्छा, ये कहते हैं जैसे बाहर के लोग हैं, जैसे मध्य प्रदेश में जाओ आप, उत्तर प्रदेश में जाओ, लोग ये कहते हैं राजस्थान के लोग इतने समझदार हैं कि हर 5 साल में सरकार बदल देते हैं। हाँ, बदल जाएगी, जा साल बदल जाएगी। तो बदलेगी? आप कह रहे कांग्रेस? पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आज की ना करो तो बीजेपी की रीत बदल जाएगी। हाँ, 4 साल बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी। अभी आप शुरू में कह रहे थे कांग्रेस? नहीं जी, कांग्रेस ही पहली बताई है नहीं मैंने। अच्छा। तुमने पहली अगली साल की फसल की पूछी तब भाई के हिसाब से बताया। काम सही रहा कांग्रेस? हाँ। अच्छा, पहली साल में, पहले 5 साल में काम जी सही रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब जहाँ आगे जी बदल जाएगी तो अब मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो ये इस बार बदल भी सकता है? बदल जाएगी। हाँ, तो लेकिन ये कह रहे हो कांग्रेस ने अच्छा काम किया। हाँ, पहली बार बदल जाएगी। भाई धौलपुर में बदलती रही है। अच्छा, एक साल कांग्रेस की तो एक साल बीजेपी की। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई है। हाँ। उससे लोग खुश नहीं है? हाँ खुश है, खुश है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ आगे ये चलाओ तो मालूम होगी। अच्छा अच्छा। हाँ, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी भी हो सकती है। अब देखो ये तो अब क्रम भागते होगा। अच्छा। पब्लिक के हाथ है ये तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मोदी ही रैली कर रहे हैं और सारे लोग रैली कर रहे हैं, आपको लग रहा है उसका फर्क पड़ने वाला है? हाँ हाँ, पर लग रहा होगा। अच्छा। लग रहा होगा। अच्छा, कांग्रेस की योजनाएं चल रही हैं और मोबाइल भी बांटे उनने, वो कह रहे मोबाइल बांटे। आप घर पे आए मोबाइल? नहीं। क्यों नहीं आया? अच्छा, बच्चों को दिए गए? नहीं, बच्ची है ही नहीं कोई, पढ़ी ना, छोटी छोटी बच्ची है। अच्छा अच्छा, छोटी छोटी बच्ची है। अच्छा, तो आप अभी ऐसे योजनाएं वो कई सारी और बता रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता है, आपको मिल रहा है सिलेंडर सस्ता? सिलेंडर तो पहले मिल चुको। कितने रुपए का? फ्री मिलो। फ्री मिला था? अच्छा, तो और जो 500 रुपए का चल रहा है वो? 500 रुपए का भी भरा ना ने हमने, भराया नहीं, नहीं 900 में भरा। अच्छा अच्छा, 940 में। अच्छा अच्छा, तो इस बार लग रहा है, इस बार लग रहा आ जाएगा ये। हाँ, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम रामबाबू चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? समोला गांव। समोला। हाँ। हम लोग सर्वे कर रहे हैं चुनाव का, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में राजस्थान में क्या होने वाला है? अब आप एक बात सुनिए। हाँ। राजस्थान में होगा तो यही कुछ करेंगे, हमारा तुम्हारा तो बस है नहीं, हमारा तुम्हारा तो इलेक्शन में वोट डालने का है। अब हम तुमसे कहें कि हम उस पार्टी को वोट देंगे, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हम? अभी आप नहीं बता सकते कहते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, आपको जैसे 5 सालों से गहलोत की कांग्रेस की सरकार रही, उनका कामकाज कैसा लगा? अच्छा, आपको तो बढ़िया लगा सर। क्यों? हाँ, क्यों खिट मिल रही है सोनी की करी, सिलेंडर में पैसे कुछ माफ हो रहे हैं, हमको पेंशन मिल रही है साहब, पहले 750 रुपये में थी, अब 1000 मिल रही है। अच्छा,
अच्छा, तो ये पेंशन आपकी चालू होगी, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी तब नहीं मिल रही थी? कुछ नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं मिला था तब। अच्छा, हाँ सर। जो वसुंधरा राजे थी उनका कामकाज अच्छा नहीं था? नहीं, हमारा कुछ अच्छा नहीं था। अच्छा, इस बार लेकिन ये कह रहे हैं बीजेपी अगर सरकार बनती है तो कोई नया कैंडिडेट आएगा, ऐसे कह रहे हैं? ऐसे मतलब सरकार दूसरी बने? हाँ, बीजेपी की अगर बनती है तो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कह रहे हैं, वसुंधरा नहीं बनेंगे। आप बता रहे हैं, बता आप, वसुंधरा नहीं बनेगी सर। तो जैसे आप क्या किसान हैं? हाँ जी, किसान हम। अच्छा, क्या फसल करते हैं खेत में? गेहूँ है, सरसों है, बाजरा है। अच्छा, बाजरा और सरसों बिकाए होंगे आप? हाँ जी, बेच दिया सरसों? बेच दी नहीं, सरसों तो जब ही फसल हुई। हाँ, और अभी बाजरा? अब बाजरा तो कुछ रखा हुआ है, कुछ बेच दिया है। अभी क्या रेट सही मिल रहा बाजरा का? नहीं, रेट भेट तो अब तू जानते हो मंडी के अंदर तो कई भाई हैं। 2000 रुपए के आसपास चल रहा है? हाँ, 2000 हमने तो ऐसे बेचा था, 1980 रुपए बेचा। 1980 रुपए बेचा था? हाँ जी, यही अब यही मध्य प्रदेश में भी यही रेट चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, सरकारी रेट भी निर्धारित किया गया सरकार के द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा? नहीं नहीं, अशोक गहलोत जी तो किसान अपने चाहे तैसे बेच देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। वहाँ पे अशोक गहलोत सलाह थोड़ी लेंगे, तो वहाँ पे तो चल रहा है जो मंडी का रेट, मंडी का रेट जाता है सर। अच्छा अच्छा, तो आपको जो किसान वर्ग है उसमें कांग्रेस के प्रति लोग क्या सोच रहे हैं, खुश हैं कांग्रेस से? नहीं, खुश हैं कांग्रेस से। अच्छा, हाँ खुश हैं। और किसान इस बार क्या चाह रहे हैं कि सरकार फिर से कांग्रेस की बने? कांग्रेस ही बने। अच्छा, हमें ये कह रहे नहीं चाह रहे, सभी चाह रहे हैं सर, सारे किसान यही चाह रहे हैं, सारे किसान चाह रहे हैं। अच्छा, उनकी उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई, कुछ रुपए रुपए दिए, आप कह रहे सिलेंडर सस्ता, आपको मिल रहा है 500 रुपए का सिलेंडर? अभी तो नहीं, मेरे आगे सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि मिल भी रहा है, मिल भी रहा है। मेरे मतलब बहुत से लोग गवार बुद्धि से कह देते हैं, हम तुमसे कह रहे 500 मिल गया। अच्छा अच्छा, तो नहीं मिल रहा अभी है ना? नहीं नहीं नहीं, मिल नहीं, ये बता रहे हैं, यही बताते हैं अशोक गहलोत जी और मोदी जी, जो अपने भाषण देते हैं उनमें कह देते हैं, वादे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। मोदी जी की बात की आपने, मोदी जी इस समय रैली कर रहे हैं राजस्थान में कई सारी, है ना, और वो कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं, कह रहे हैं कन्हैया की हत्या वाला मुद्दा उठाया उन्होंने, हिंदुत्व वाली बात हो रही है, आपको नहीं लग रहा ये जो इस तरीके की राजनीति है हिंदू मुस्लिम वाली, वो यहाँ पे काम करती है? यहाँ पे मतलब कैसे मुद्दे? जैसे हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति होती है यहाँ पे, क्या हो जाती है? हो जाती है, हो जाती है। तो क्या क्या फायदा मिलेगा इसका बीजेपी को? बीजेपी को हमको तो कोई फायदा नहीं मिला, हमको नहीं फायदा मिला, मतलब नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं सर, आपको कांग्रेस सही लग रहा है? तो कांग्रेस सही लग रही है, कांग्रेस को आपको वोट देंगे हम, आपको बताएं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि जो शोभा रानी कुशवाहा है, उन्होंने मतलब उनके प्रति, और जो है एक शर्मा जी है बहुजन समाज पार्टी, उनमें टक्कर है काफी, नीतीश कुमार, नीतीश शर्मा जी है बता रहे, कुछ लोग तो बताते हैं कि नीतीश कुमार जी तीसरे नंबर पाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ कहते हैं कि कुशवाहा जी, शिवचरण जी और दूसरे नंबर पाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ शोभारानी जी फर्स्ट नंबर पा रही है। अच्छा अच्छा, तो ये मैं नहीं कह रहा अकेला, सभी पब्लिक कहती है। तो आपको लेकिन ये कॉन्फिडेंस, मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, है ना? बननी चाहिए सर, पूरे राजस्थान में भी, है ना? अच्छा अच्छा, 2024 की बात की जाए, प्रधानमंत्री वाले जो चुनाव होते हैं उसमें भी कुछ लग रहा है इस बार बदलेगा माहौल? अब देखो साहब, जो तो पब्लिक के आते हैं, आप लोगों के आते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं इस बात को? हम तो एक वोटर ही वोटर वोट डाल सकते हैं अपना। अच्छा, तो हमारे लिए सुविधा है कि हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएं। हाँ, अब हमारे लिए तो सर, हमारे लिए तो सब पेंसिल मिल रही है 1000 रुपये, 750 होती है, 1000 हो गई है। और किट बताते हैं, किट मिल रही है, मौजूद मिल रही है किट रहे। अच्छा, हाँ मौजूद मिल रही है। और कुछ बच्चों के लिए अच्छा सुविधा है। जैसे आप ये बताइए, खाद वगैरह जो लेते हो आप, DAP की बोरी वगैरह, क्या रेट मिलती है आपको? वो तो सर दलाल जी कुछ दलाल में है, दलाली से मिलती है, 1400-1500 रुपए मिलती है, 1600-1700, 2000 1800 सब लीजिए सर, हमने खुद लिया 1800 रुपए में, 1350 रुपए है रेट वैसे। हाँ 1350। और जो एल्युमिनियम कट्टा है 1020 को, 1100 को, 1200 रुपए का। अच्छा, और ये शिकायत नहीं की आप लोगों ने? अब हम जयपुर, हमने कई कई दफे शिकायत की सर। अच्छा, काम नहीं हुआ इस पे? अरे भाई साहब, 280 रुपया के रेट है यूरिया के, 320 रुपए का मिल रहा है। अच्छा, हाँ महंगे तो है, दलाली से पैसे खाया थे सरकारी दुकानों पे, सरकारी पे तो रेट नहीं मिल रहा, इकरे बिकरे थे, नहीं वहाँ मिलते ही ना, वहाँ तो नौकर पैसा है, त्यागी बोरी ले जाते हैं सब खाते वो। अच्छा, और किसान ना मिल पाते, घर में लेते, घर में ले गए यहाँ से ट्रैक्टरों में ढो करके घर में धर लेते हैं। अच्छा, हाँ बोरी देते हैं, अगर आ जाए यहाँ पर ट्रेन भी आ नहीं जाए, पूरी जम्मू रेखा आ जाए तो फिर भी वो रख लेंगे। हाँ सरकारी क्रय विक्रय में जाएगा,
का खाद तो क्या करें, पहली बतरे का इतना बांट देंगे हम लोगों को, जान पहचाने के बांट देंगे, गरीब बेचारे बेचारे रह जाते हैं। फिर फिर बातें लेना पड़ता है, ब्लैक लेना पड़ता है। हाँ, ब्लैक तो मनिया भेज दिया, कहीं कहीं भेज दिया, कहीं भेज दिया, फिर बातें दो नंबर से बेचते हो सब। ये तो सब जगह चल रहा है इस तरीके का, सब जगह। तो ये नाराजगी भले ही हो लेकिन फिर भी लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए। हम तो चाह रहे हैं सर, हाँ सभी लोग चाह रहे हैं। गाँव में अब गाँव में अभी गए मीडिया वाले, तुम जहाँ पे गाँव में संतोषी मैया हमारी समोल आ गए और हाँ और गए थे यहाँ, वही ऐसे आप पूछ रहे हैं, आप ऐसे बताया सर। अच्छा, तो आप डरने भरने की तो बात है ही नहीं यहाँ पे, कोई डरने की बात नहीं, यहाँ वैसा माहौल नहीं है ना। और मध्य प्रदेश है फिर यूपी ऐसा उधर की समय मालूम नहीं है। देखो हाँ, आपको झूठ बोले आपको तो मतलब तुम दे रहे हो ऐसे कह रहे बाकी पावला तो नहीं है सर। मुस्तकीम खान, क्या काम करते हो? कुछ भी कर लेते हैं बंदो। क्या कुछ भी, जैसे ढोल फूल सब बजा लेते हैं, तंदूर फंदूर का भी काम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। खर्चा वर्चा उसी से चलता है। हाँ साहब, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, और भाजपा भी हाथी वाला भी आ सकता है। अच्छा, क्यों? मतलब जैसे टक्कर तो बात की जाए कि कांग्रेस और बीजेपी में ही है, कांग्रेस और हाथी की टक्कर है। अच्छा, हाँ जी, चोटी तो आपको फिर भी लग रहा है मतलब कांग्रेस और हाथी में ज्यादा टक्कर है? हाँ जी, कैंडिडेट की वजह से। हाँ जी, पूरे राजस्थान की बात की जाए तो किसका लग रहा है माहौल? पूरा माहौल तो कांग्रेस का लग रहा है, मगर ये हाथी जीतेगा। अच्छा, हाथी का संभावना ज्यादा लग रही है, और पूरे राजस्थान की बात की जाए तो कांग्रेस लग रही है। अशोक गहलोत जी का 5 साल में कामकाज कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मगर ये सब बात की सुविधा है, मगर ये सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, हाँ बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव यानी बदलाव कैसा? बीजेपी के आने चाहिए ये तो अब ऊपर वाले जाने हैं, क्योंकि उसके बीजेपी के कांग्रेस के। अच्छा, ये कांग्रेस वाले बहुत सारे योजनाएं वगैरह चला रहे हैं, आपको उसका लाभ मिला है? नहीं, उसका लाभ भी नहीं मिला हमको, ना राशन कार्ड बना, ना कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना हमको। अच्छा, तो ये आपको इसलिए लग रहा है कि ये नाराजगी है लोगों में? नाराजगी कैसे बता दें, नाराजगी है कि नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपन को क्या करना है, अपन को मजदूरी करनी है। अच्छा, मजदूरी करते हैं अपन। अच्छा, आप लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है ना? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? मुंशी। क्या काम करते हैं? रिक्शा को रिक्शा चलाते हैं। तो अभी काम काज कैसा मिल रहा है? कैसे ना मिल रही, मट्टी खुआ रहा जागन तो। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखो को जीता तो नसीब का है, बाकी कौन जीतेगा। अच्छा, कांग्रेस आएगी कि बीजेपी? अब पता ही ना है, कांग्रेस आएगी या बीजेपी में तो इतना पता ही नहीं है। अच्छा, वोट डालते हो? हाँ हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है कि आपको किनका काम अच्छा लग रहा है, कांग्रेस से खुश होगी नहीं हो? अब पता ही ना है कौन सा जीतेगा। आपको कैसा लगा माहौल, ये 5 साल सरकार ही ठीक लगा? वही बढ़िया है। घर पे बच्चे आपके है ना, क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं करते, मजदूरी करते हैं। पढ़ाई क्यों नहीं करा रहे आपने? शुरू से नहीं की हमने पढ़ाई। अच्छा।